डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत की पंचकुला कोर्ट में पेशी पूरी। हनीप्रीत व आरोपियों पर पंचकुला कोर्ट में चार्ज फ्रेम यानी आरोप तय होने पर आज हुई बहस। मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। 45 में से 25 गिरफ्तार लोगों के आरोपों पर आज हुई बहस, 6 मार्च को होगी आरोप तय। डेरा सच्चा सौदा राम रहीम के सुनवाई के दौरान हुई हिंसा के मामले में आरोपी हनीप्रीत हिंसा की आज पंचकुला सेशन कोर्ट में पेशी पूरी हुई। कोर्ट में 45 में से 25 गिरफ्तार आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए बहस की गई, जिसका फैसला आने में अभी वक्त है। बचाव पक्ष के वकील सुरेश रोहिल्ला ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी, जिसमें आरोपों पर बहस जारी रहेगी। फाइल नंबर 345/2017 जो हनीप्रीत वगैरह सभी मेन मुलजिम कोर कमेटी 45 मेंबर्स में से जो 25 मुलजिम अरेस्ट किए गए हैं उनके खिलाफ कंसीडरेशन ऑफ चार्ज पे आर्ग्यूमेंट था, और आर्ग्यूमेंट आज प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो कंप्लेंट साइड का पक्ष रखते हैं उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट जारी रखा। आज सुबह से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया था, उसके बाद जज साहब ने कंटिन्यूटी करते हुए आफ्टर लंच फिर डेट फिक्स कर दी थी, और अब आफ्टर लंच भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट किया है, जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से प्रपोज जो सेक्शन थे पर मुलजिम के वो उन्होंने ये लिस्ट दी है हमें, और जिसपे जो फंस बनता है उस हिसाब से हम देख करके डिफेंस काउंसिल का ये प्ली थी भी एक तो इनपे जो FIR प्रपोज सेक्शंस उन्होंने जो स्टेट ने लगाए हैं वो किस हिसाब से बनते हैं नहीं बनते उस पर हम आर्ग्यूमेंट करेंगे, इसलिए टाइम मांगा डिफेंस काउंसिल ने हमने सबने मिलकर के। और मोर ओवर हमारे टाइम मांगने का एक और नजरिया था, क्योंकि जो ये चलान है ऊपर ये हाफ चलान है अभी फिलहाल, जो आधा चलान है वो जो सप्लीमेंट्री चलान है वो अभी तक ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट सीजम साहब की अदालत में चल रहा है, जिसकी नेक्स्ट डेट 26/2/2017 लगी हुई है। 26/2 को जब सप्लीमेंट्री चलान कमिट हो जाएगा सेशन जज साहब के पास, जब कंप्लीट चलान आ जाएगा तो डिफेंस काउंसिल का आर्ग्यूमेंट 6 मार्च को कंटिन्यू रहेगा। अब नेक्स्ट डेट जो 6 मार्च 2017 दी गई है।